गाइस, कैसे हो आप सब? मतलब दो लोग में आपका स्वागत है। तो भाई, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं और जितने भी मुस्लिम हैं, वो ऊपर वाले से दुआ करें कि भाई ये जो वॉर चला हुआ है जंग का मैदान में, अगर काफ़ी बेकसूर लोग को मारा जा रहा है, तो उसके लिए दुआ करें, मगफिरत करें। और ना दाना है, ना खाना है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। काफ़ी बच्चे लोग दोनों साइड से मारे जा रहे हैं, तो इसे जल्द से जल्द सुलह करवाएं। और यही रिक्वेस्ट है भाई कि जब 10-15 मिनट आपके सामने अगर बम फटाके फूटते हैं, तो आप बोलते हो यार बस करो यार, वहाँ 6 दिन से भाई यही शादी हो रहा है। 6 दिन से कंटिन्यू बमबारी हुए पड़े है भाई। तो कर चुके हैं अपनी जर्नी पे। ले तो भैया सिग्नल हमको, तो गाइस गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिए हैं और अपनी जर्नी में निकल भी चुके हैं। ठीक है, जहाँ देखिए पूरा सा हो चुके हैं गाइस, और इधर रोड भी नहीं दिख रहा है मुझे। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? तो कमेंट बताइएगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस, तो गाइस ये गोरेगांव का हम लोग फ्रेंड्स के इधर पहुँच गए हैं। और अभी फटाफट अपन लोग निकल कर फिर बने रहे हैं हमारे चैनल में, और इसी तरह से मोटा ब्लॉगिंग हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप हो तो हमें और हमारे यूट्यूब फैमिली से आप सबसे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो नेक्स्ट टाइम पे जो वीडियो आएगी वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अमिताभ बच्चन का वार्ता भाई क्या चाहता है आपको? ऐसे ही कुछ अमिताभ बच्चन बोलते हैं मोदी सर, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं ये
भाई जो भी बाहर फंसे पड़े हैं सबको वापस लेके आएंगे यार। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है मुझे सरकार। साहब ये दो जगह पूरा रोड तुम्हारे ही चाचा का है। तो करता ये आ गया गाइस गोरेगांव स्टेशन। और यहाँ से आप ट्रेन पकड़ के विरार वसई नाला सुपारा पीटी चर्च गेट बैंड्रा कहीं भी आप जा सकते हो। रेलवे स्टेशन है। और गाइस आप देख सकते हो कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो क्या जाए।